अभी मैं गया जिले के प्रखंड सिरघाटी अनुमंडल सिरघाटी में मौजूद हूं और यहां पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, यहां पे एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। कैमरामैन थोड़ा चारों तरफ दिखाने का प्रयास कीजिए, देखिए यहां पे एक पुल का निर्माण किया जा रहा, जो ग्रैंड ट्रंक रोड NH2 नेशनल हाईवे 2 जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड की चौड़ीकरण हो रही है। चौड़ीकरण के यहाँ पे देखिए, चौड़ीकरण में यहाँ पे देखिए पहले से दो पुल निर्माण किए गए हैं और इस सड़क का और चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा पुल का निर्माण कराया जा रहा है, यहाँ पे सारे वर्कर लोग मिल करके यहाँ पे पुल का निर्माण कर रहे हैं। कुछ वर्कर इधर पे काम कर रहे हैं जो डेंटिंग पेंटिंग और सेंटरिंग का काम कर रहे हैं, और कुछ वर्कर इधर है, इधर थोड़ा कैमरा में नहीं दिखाइए, इधर देखिए ये सब बोरा में डस्ट वगैरह डाल करके कुछ काम इसमें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं। इधर आइए थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका? एम.डी.हासिमुद्दीन। क्या आप लेबर है या फिर ठेकेदार है, मुंशी क्या है? नहीं, हम लोग लेबर है। लेबर है, हाँ। क्या हो रहा है? ये लोड टेस्ट हो रहा है। लोड टेस्ट हो रहा है, हाँ। ये लोड टेस्ट इस साइड भी आप लोग किए थे? नहीं, वो साइड में नहीं हुआ, इस साइड में हो रहा है। उस साइड में बिना लोड टेस्ट का काम हो रहा है? हाँ, बिना सर लोड टेस्ट का काम हो। उधर लोड टेस्ट करना जरूरी नहीं था? नहीं, एक ही होगा। एक ही होगा, हाँ। अच्छा, लोड टेस्ट कैसे करते? इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए थोड़ा सा, बताइए यहाँ से, थोड़ा कैमरा मैन दिखाइए, बताइए। चलिए अंदर चलिए, देखिएगा सर, देखिएगा आराम से, जाना है। अच्छा, यही तो बताइए ना, ये देखिए, हाँ, थोड़ा सा कैमरा मैन आइए यहाँ पे। हाँ, एगो प्लेयर पे लोड दे के चेकअप करेगा। एक पिलर पे लोड देके चेकअप करेगा, हाँ हाँ, बैठता है कि नहीं बैठता है, बैठता है कि नहीं बैठता, हाँ, अगर बैठ जाएगा तो फेल और नहीं बैठेगा तो पास, बैठ जाएगा तो फेल और नहीं बैठेगा तो पास, हाँ। अभी वहाँ पे गैपिंग दिखाई दे रहा है 1 फीट का लगभग, हाँ, गैपिंग है, वही पिलर है ना? हाँ, वही पिलर। कैमरा में थोड़ा सा वहाँ जूम कर दिखाने पड़ा, एक रेड कलर का देखिए पिलर दिखाई दे रहा है वहाँ पे, वही पिलर है ना? हाँ, वो जैक लगा हुआ है, जैक लगा हुआ, अगर उस जैक में सट जाता है तो ये लोड टेस्ट फेल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो उसमें तो सटा का वजन देके देखेगा। अच्छा, उसमें सटा का वजन देके देखेगा, हाँ, उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, तो वो थास जाएगा तब दिक्कत होगा? हाँ, थसना नहीं चाहिए, नहीं। अच्छा, ये लोड टेस्ट करने के लिए सारा प्रक्रिया किया जा रहा है, ये वजन खड़ा हो गया थोड़ा सा, ये सारा वजन बोरा में डस्ट भर करके वजन दे रहा है, कितना कितना वजन देना है? 500 टन। 500 टन, हाँ। अच्छा, 500 टन वजन दे करके कितने दिन छोड़ते हैं आप लोग? 48 घंटा रहता है। 40 घंटा? 48 घंटा, हाँ। यानी 2 दिन छोड़ के देखते हैं, हाँ, कि ये लोड टेस्ट सफल होता है कि नहीं। हाँ, अगर ये लोड टेस्ट फेल हो जाता तब क्या करेंगे? फेल हो जाएगा तो दूसरा फिर टेस्ट करेगा, दूसरा टेस्ट करेंगे, हाँ। इधर आइए थोड़ा सा, कैमरा मैन इधर आइए थोड़ा सा, आप भी आइए। ये सारे जो वर्कर काम कर रहे हैं, इधर आइए, देखिए इधर, इधर देखिए थोड़ा नजदीक कैमरा मैन, ये सारे जो वर्कर काम कर रहे हैं, हाँ, इन लोग का कितना मजदूरी मिलता पर डे? ये मजदूरी नहीं है, सब ठीका में है। ठीका में है तो हिसाब से 140 रुपया टन। 140 रुपया टन के हिसाब से, हाँ, सफिशियंट मिल, आप लोग खुश है? हाँ, खुशी है। कम मिल रहा? नहीं, कम नहीं मिल। कौन सा कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है? BRC। हाँ, अच्छा अच्छा, उसी के द्वारा स्कूल का निर्माण किया, सड़क का पूरा निर्माण चौड़ीकरण किया जा रहा है, हाँ। थोड़ा सा कैमरा मैन साथ में आइए, इधर आइए, देखिए इस पुल का निर्माण जोरों शोरों से लगा हुआ है, और देखिए इधर लोड टेस्टिंग का काम हो रहा है, इधर भी कुछ वर्कर हैं जो अपना यहाँ पे छड़ वगैरह जाम कर रहे हैं और सेटरिंग का काम कर रहे हैं। इधर सारे पुल का ढलाई होगा, यहाँ पे देखिए सेटरिंग में ये लोग मोबिल वगैरह सारे कुछ लगा रहे हैं। आइए इधर भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे, मिस्त्री लोग हैं इधर, थोड़ा कैमरा मैन आइए, नहीं दिखाइए, पास में आइए कैमरा मैन, ये नट बोल्ट अभी टाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर देखिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक, क्या आप मिस्त्री हैं या फिर क्या हैं? मिस्त्री हैं भैया। मिस्त्री है, कब से काम लगा हुआ इसमें? इसमें 15 दिन से चल रहा है। 15 दिन? थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए, रुकिए, 15 दिन से लगा हुआ। तो क्या लोड टेस्ट अभी हुआ कि नहीं हुआ? लोड टेस्ट हो रहा है, अभी नहीं हुआ। लोड टेस्ट हो रहा है, हाँ। ये जो सड़क निर्माण हो रहा है, जो पुल जो बन रही है, कौन सा कंपनी के द्वारा बन रही है? BRC कंपनी। BRC, हाँ। कहाँ की है? बाराचट्टी का। बाराचट्टी का, हाँ। उसी के द्वारा इस पुल का सिर्फ करा जा रहा है कि रोड का भी? रोड का नहीं, पुल का सिर्फ पुल का काम BRC कंपनी को मिली है, हाँ। और रोड का काम किस कंपनी को मिली पता है क्या? नहीं पता। तो आप लोग सिर्फ पुल में काम कर रहे हैं? हम लोग बस पुल में। अभी आप लोग इसका सेटरिंग कर रहे हैं? हाँ, वाल का सेटरिंग कर रहे हैं।
बीच में भी वाल बनेगा क्या? नहीं बीच में नहीं बनेगा, बीच में गैपिंग रहेगा। गैप रहेगा। कितना लेयर का मोटाई का ढलाई करना है इसमें? एक मीटर। एक मीटर की ढलाई करनी है। हाँ। क्या क्या कंस्ट्रक्शन का क्या नियम है, कितना कौन सा सीमेंट डालना है, कौन सा छर्री, क्या क्या डालना है? सीमेंट और सब कुछ डलता है इसमें। कौन सा सीमेंट पता नहीं भैया इतना। अच्छा पता नहीं। यहाँ पे कोई मुंशी ठेकेदार इंजीनियर नहीं आते हैं? आते हैं इंजीनियर साहब। आए थे? हाँ आए थे। कब कब आते हैं, महीना में कितना दिन? डेली आता है। डेली आते हैं? हाँ। आ जाए हैं। क्या नाम है इंजीनियर साहब का? इंजीनियर साहब का मिश्रा, खाली मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा इंजीनियर है? हाँ। अच्छा अच्छा। ठेकेदार भी आते हैं? हाँ ठेकेदार भी आते हैं। क्या नाम है ठेकेदार का? मोहम्मद रहमान, अब्दुल रहमान। मोहम्मद अब्दुल रहमान। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? कटिहार। कटिहार के रहने वाले, इनको ठेका मिला हुआ है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर आइए, एक और है, आप भी मिस्त्री है कि लेबर है? क्या है? वो लेबर है सर। लेबर है? अच्छा अच्छा। इधर आइए बाबू, आप कौन हुए? मैं तो ये भाई है मेरा। भाई भौजाई नहीं चलता यहाँ जी। आप यहाँ का अपना पद बताइए। पद क्या बताऊंगा सर, काम करना है वो काम करना। लेबर है कि मिस्त्री है? लेबर हूँ। लेबर है जी। कब से काम लगा हुआ स्कूल में? यहाँ स्कूल में तो कम से कम 15 दिन से काम चल रहा है। कब तक कंप्लीट कर दीजिएगा आप लोग? ये तो कंप्लीट हो जाएगा कम से कम, और 10 दिन लग जाएगा ये तो। सुनिए ना, कितना दिन में पुल का कंप्लीट होना है? एक महीना। एक महीना लगभग? एक महीना लगभग कंप्लीट हो जाएगा ना। थोड़ा सा इधर दिखाने का प्रयास कीजिए। ये भी है, आज लोग सारे वर्कर अपना काम कर। देखिए ये पिलर बन रहा है स्कूल का, ऐसा पिलर वहाँ पे दिखाने का प्रयास कीजिए, उस साइड में जहाँ पे लोड टेस्टिंग हो रहा है। लोड टेस्टिंग करने के बाद वहाँ भी एक पिलर का निर्माण किया जाएगा, उसके बाद सारा कुछ होगा। थोड़ा सा एक और सवाल है जो इनसे बजाने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए कि क्या इसकी लंबाई कितनी है पुल की? 17 मीटर। 17 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 4900। 4 मीटर 900। 4 मीटर 900। अच्छा अच्छा। और ये जो आप लोग ये ढालेंगे तो ये जो हाइट है इससे कितना ऊपर जाएगा? इतना ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, उसका लेवल रहेगा। वो पुल का थोड़ा दिखाइए, जो बगल में जो पुल निर्माणाधीन है, जो बनी हुई पुल है, उसके हाइट में किया जाएगा, उसी के बराबर होगा? उसी का बराबर होगा, वो पीछे वाला का। पीछे वाला के बराबर होगा। हाँ। उससे साइड में कौन जो बना उसके बराबर होगा? उसके बराबर। हाँ। अच्छा, कितना यहाँ से कितना फीट तक ऊंचाई का ढालना है? अभी नापे नहीं है। नापे नहीं है? आप लोगों को पता होगा ना मीटर में? मीटर में पता है लेकिन ना कितना कितना मीटर में है? 3 मीटर होगा। 3 मीटर होगा ना रे? कितना? 3 मीटर। 3 मीटर। हाँ। देखिए यहाँ पे सरघाटी में ये जो रोड चौड़ीकरण हो रही है, ये VRC कंपनी के द्वारा सिर्फ पुल का निर्माण किया जाना है। ये सारे जो पुल जितने भी इस रोड का स्ट्रक्चर में पुल बनेंगे वो सारे VRC कंपनी के द्वारा बनाए जाने हैं। और यहाँ पे तो इंजीनियर साहब मिले नहीं, इन लोगों का कहना इंजीनियर साहब आते हैं लेकिन हमको तो इंजीनियर साहब मिले नहीं। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ पे रुके हुए हैं लेकिन इंजीनियर साहब से हम मिले नहीं। अब इंजीनियर साहब जब यहाँ पे नहीं है तो लोग तो हम लोग तो सवाल करेंगे ही कि किस तरह के पुल का निर्माण हो रहा है। लोग तो कहेंगे कि इंजीनियर से सवाल नहीं करता। इंजीनियर साहब मिलेंगे तब ना इंजीनियर से सवाल करेंगे। इंजीनियर साहब यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठेकेदार साहब मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेबर और मिस्त्री हैं, वर्कर हैं। इन लोग से सवाल करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का काम हो रहा है। थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी इंजीनियर हैं ठेकेदार हैं वो लोग इस पुल को अच्छे से निर्माण कर सके। इस पुल में बिल्कुल ही भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इधर आइए, 1 सेकंड और। एक बात का जवाब आप दीजिएगा, आप मिस्त्री हैं तो एक बात बताइएगा कि पुल में जो इसका कंस्ट्रक्शन का जो सारा ये होता है उसके हिसाब से काम हो रहा है? हाँ सही हो रहा है। कोई भ्रष्टाचार भी हो रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, सही हो रहा है। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? 1 महीना से। इस पुल में नहीं और पुल बनाए होंगे ना? हाँ आगे थे हम लोग। आगे थे तो क्या पुल का जो सारा कंस्ट्रक्शन होना था जिस हिसाब से उस हिसाब से हो रहा है? परफेक्ट हो रहा है? परफेक्ट हो रहा है। भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। पक्का? पक्का एकदम सही चल रहा है। ऐसा तो नहीं ना ठेकेदार इंजीनियर के दबाव में बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, पक्का ना? हाँ पक्का। इनका कहना है कि सब कुछ सही हो रहा है, इस पुल में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरे बिहार में पूरे देश में जो ही पुल का निर्माण कार्य हो रहा वो मजबूती से हो, भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं हो, ताकि टिकाऊ हो। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था उस समय जो अंग्रेज पुल बनाते थे वो 100 साल से ऊपर टिकते थे, लेकिन आजकल बिहार में क्या हो रहा है
खास करके बिहार में जो ये पुल निर्माण हो रहा है वो बनते हुए ही गिर जा रहे हैं, 5 साल 10 साल से ज़्यादा नहीं टिक रहे हैं और ध्वस्त हो जा रहे हैं। इस तरह का काम बिल्कुल भी नहीं चाहिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।